नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। मुंडावर उपखंड के सोडावास कस्बे में अलवर मार्ग पर यादव कॉम्प्लेक्स ने में 20 कुमाऊं रेजिमेंट का 33वां स्थापना दिवस भूतपूर्व सैनिकों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। उल्लेखनीय है कि 20 कुमाऊं रेजिमेंट की शुरुआत 1 जनवरी 1981 को हुई थी, जिसके चलते 20 कुमाऊं रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिक इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर 20 कुमाऊं रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि अहित रेजिमेंट मांग काफ़ी लंबे अरसे से की जा रही है, इसको न्यायसंगत रूप से दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत कृष्ण भगवान की प्रतिमा पर केक काट व दीप जलाकर की गई। इस कार्यक्रम में सूबेदार मेजर जगमाल सिंह, रामचंद्र, रामनिवास, सरजीत लाल सिंह यादव कारोड़ा, सत्यवीर यादव नयागांव, कैप्टन रामफल, लक्ष्मण सिंह, बसंत राम, श्रीचंद, सरजीत, अशोक, वीर सिंह, लखन, वीरेंद्र, शिवचंद, कायसा सहित बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। जी सर, आज के कार्यक्रम को लेकर बताइए कि आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज हम 20 कुमाऊं रेजिमेंट का जन्मदिन था और हमारी रेजिमेंट 1 जनवरी 1981 में खड़ी हुई थी आज ही के दिन, और आज 43वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो हमारे जितने राजस्थान के एक्समैन हैं, हम जो रिटायरमेंट वाले, सब ने अपना यूनिट का जन्मदिन मनाया है। यहाँ पर हमारा सभी इकट्ठे होकर के सब ने खुशी से अपना जन्मदिन मनाया। इस आयोजन में पूरे राजस्थान के जो भी जवान हैं वो इकट्ठा हुए हैं, तो लगभग कितने क्या इकट्ठा हुए इसमें? हमारे तकरीबन 60 जवान इकट्ठे हुए हैं, सभी अहदेदार थे, जिसमें से जवान से लेकर अधिकारी तक, और 60 के करीब थे हम इकट्ठे हुए। आज ये स्थापना दिवस मनाने के पीछे और आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि हम फौज में रहते हुए जो माहौल में थे, आज वही माहौल हमारा बुढ़ापे में वही माहौल रहेगा, और हम देश के लिए जी जान से लड़ते हैं और उसी खुशी में अपना जन्मदिन मनाया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश यही देते हैं कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी इतना जोश है, तो कम से कम युवा खड़े हों और आगे आएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं।